Hi, dear students and viewers. आज मैं आपको ना मियासिस के बारे में बता दूंगा कि मियासिस क्या होता है। मियासिस आपको पता ही है, ये किस्म का सेल डिवीजन है। जैसे आपने दो सेल डिवीजन्स के बारे में इससे पहले भी बहुत दफ़ा सुना होगा, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियासिस। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्रोमोसोम जो है एज सच रहता है जैसे पेरेंट सेल के पास है। और माइटोसिस के बारे में आपको ये भी पता है कि माइटोसिस इन केस ऑफ अगर हम एनिमल सेल देखें तो वहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है, मेल हॉनी बी को छोड़ के जो कि हैप्लॉयड होता है, लेकिन फिर भी उसमें माइटोसिस ही होता है। तो उसके बाद प्लांट सेल्स में ये भी आपको याद रखना है कि जो प्लांट सेल होती हैं उसमें दोनों टाइप ऑफ सेल्स में, चाहे वो हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा, तो दोनों केसेस में जो है वहाँ पे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के बाद फिर दूसरा जो सेल डिवीजन आता है ना, दैट इज़ मियासिस। तो मियासिस जो है आपको ऑलरेडी यू भी मतलब यू नो दिस के जो भी हमारे पास जितने भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है, हम जो डिप्लॉयड सेल्स को कंटेन करते हैं, तो डिप्लॉयड सेल्स जो होती है उसमें टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर डिप्लॉयड सेल में जो है वहाँ पे टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी एक कॉपी जो होती है, एक कॉपी इनहेरिटेड होती है मेल पेरेंट से, दूसरी कॉपी इनहेरिटेड होती है फीमेल पेरेंट से। तो ये जो दो कॉपीज, यानी कि वो जो वहाँ पे एक सेट बनाएगा, वहाँ पे जो एक सेट बन जाएगा ना, मतलब दो कॉपीज़ का जो है क्रोमोसोम्स का, एक मेल से है दूसरा फीमेल से है जो कि इनहेरिट हुआ है तो हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द होमोलॉगस क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलॉगस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक मेल वाला जो है मेल क्रोमोसोम, अगर उसमें एक जगह पे एक लोकस पे, एक पर्टिकुलर लोकस पे जो है साइट पे, वहाँ पे सपोज एक जीन है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो उसका फीमेल होगा, जो उसका फीमेल क्रोमोसोम उसी जैसा होगा, उसके साथ ही वहाँ पे होगा, तो उस क्रोमोसोम पे भी उसी लोकस पे जो है जीन प्रेजेंट होगा और वो जीन जो है उसी ट्रेट के लिए, उसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक वो भी वहाँ पे कलर को ही क्या करेगा, कलर को ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, या कलर को ही वहाँ पे जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर को कोड करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट जो है ये जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मियासिस हम देखते हैं कि मियासिस में जो है मियासिस मतलब यहाँ पे मियासिस के जो स्टेजेस हैं हम बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद जो है ये भी आपको पता ही, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मियासिस ऑकर्स इन टू स्टेजेस, दैट इज मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। तो सबसे पहले हम मियासिस फर्स्ट की बात करेंगे, वी विल डिस्कस द मियासिस फर्स्ट, उसके बाद हम मियासिस सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर्स, जो मियासिस फर्स्ट है ये यहाँ पे मियासिस फर्स्ट के यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, ठीक है, वो उसी तरह से जो है ना, जैसे हमने पीएमईटी मतलब उसमें माइटोसिस में देखा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो यहाँ पे भी हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलो की बात करेंगे, लेकिन यहाँ का जो प्रोफेज है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक, यानी कि ये लॉन्गेस्ट है हम कह सकते हैं कि फेजेस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है दिस वन प्रोफेज ऑफ द मियासिस फर्स्ट। जैसे कि प्रोफेज ऑफ द मियासिस फर्स्ट जो है इसको हम यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग फेजेस में या सब स्टेजेस में फिर डिवाइड करते हैं, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस आता है। तो वी विल स्टार्ट, हम यहाँ पे लेप्टोटीन से शुरू करते हैं। लेप्टोटीन में होता क्या है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है, तो ये फेजेस हम डायकाइनेसिस में क्या होता है, इन फेजेस को हम यहाँ पे देखते हैं।
लेप्टोटीन में यू नीड टू रिमेम्बर, लेप्टोटीन जो है इसका मेन स्टेप जो है, मैं एक एक दो दो स्टेप्स बोलूंगा जो आपने याद रखने हैं, तो उसके साथ ही जो है आपका ये वाला पहला मतलब प्रोफेस क्लियर हो जाएगा। लेप्टोटीन में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पे कंडेंस होते हैं। कंडेंस कंडेंस आप समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में असेंबल होते हैं। सपोज अगर ये ऐसे करके फाइबर है, अगर ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये एक फाइबर है, लेट इट ये एक फाइबर है ठीक है। सपोज ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये आपको लग रहा है कि ये काफ़ी, ये ज़्यादा इनविजिबल नहीं है, ये वाला ज़्यादा विजिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, अब मैं इसके साथ जो है एक और यहाँ पे फाइबर को जोड़ देता हूँ, एक और फाइबर को, तो ये फाइबर जोड़ दिया, तो थोड़ा अब इनके बीच में हम यहाँ पे आपस में ऐसा जो है ना, इनको ऐसे अब रखेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा विजिबल लग रहा है, लग रहा है कि कंडेंस होने जा रहा है ठीक है, कंडेंस होने को जा रहा है, ये मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद एक और मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ देता हूँ एक और फाइबर ठीक है, ये फाइबर्स है मेरे हाथ में। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे ये ज़्यादा विजिबल लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर्स जो है वो आपस में यहाँ पे जुड़ चुके हैं, वो कंडेंस हुए हैं, उनका कम्बिनेशन हुआ है। तो जब ये ज़्यादा, तो तभी तो इसमें जो है, ये जो लेप्टोटिन होता है, इसमें क्रोमोजोम जो होता है ना, वो बिल्कुल क्वाइट विजिबल होता है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसके, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे तो आपको ही क्वाइट विजिबल लगेगा। क्यों विजिबल लगेगा? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन कंडेंस हुई है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे जाइगोटिन की। जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में मेन पॉइंट्स आपने याद रखना है, जैसे जाइगोट हम बोलते हैं, जाइगोट का कब बनता है, जाइगोट बनता है जाइगोटिन का, मैं थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ समझाने के लिए, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में करीब आते हैं, क्लोज आते हैं और फ्यूज करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे मेल गेमेट फीमेल गेमेट की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपने ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे दो क्रोमोजोम्स का जो है पेयरिंग होता है। दो क्रोमोजोम्स कौन कौन सा? एक आपका आ गया यहाँ पे, दिस वन इज, यानी एक सेल में दो क्रोमोजोम, अगर ये मेल क्रोमोजोम है, मैटर्नल है ठीक है, ये मैटर्नल है, तो उसके बाद जो है ये आ गया दूसरा, दैट इज, इट इज़ वन, इट इज़ पैटर्नल हेयर, ये आ गया यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये दो क्रोमोसोम्स आपस में क्या करेंगे, ये क्लोज आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे ठीक है, ये दो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो इसका मतलब ये पेयरिंग करेंगे, दे विल फॉर्म ए पेयर हेयर। दिस पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है ये जाइगोटीन में ही होता है, जाइगोटीन में ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, और इसी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हम यहाँ पे सिनेप्सिस कहते हैं। याद रखो आप, एमसीक्यूज में आपको जो है मतलब ये पूछा जाएगा कि आपका जो है सिनेप्सिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनेप्सिस, सिनेप्सिस किस चीज को आप कहते हैं? सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग करना, जिसमें एक मेटर्नल है, दूसरा पेटर्नल है, एक आपका मतलब जो है फीमेल, दूसरा मेल, जो इनहेरिटेंस है ठीक है, जो इनहेरिटेड हुए हैं, तो उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और स्नैप्सिस होने के बाद यहां पे एक और चीज है जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है, कि स्नैप्सिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये चीज है कि जब ये दो जो है, जब दो क्रोमोसोम्स, एक ये वाला क्रोमोसोम ठीक है, दूसरा सपोज ये क्रोमोसोम, ये ऐसे करके दो क्रोमोसोम, एक ही आ गया मैटर्नल रिलेटेड भी, दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम, तो इन दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो है यहाँ पे प्रोटीन आता है, प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन आती है ठीक है ना, यहाँ पे प्रोटीन मतलब डेवलप होता है दो क्रोमोसोम्स के दरमियान, ऐसे करके, दिस इज क्रोमोसोम फर्स्ट, दिस इज क्रोमोसोम सेकेंड ठीक है। अब ये क्रोमोसोम फर्स्ट और क्रोमोसोम सेकंड, बीच में क्या डाला? बीच में यहाँ पे ये आ गया, इस वाली जगह पे ये आ गया, यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन की यहाँ पे काम क्या है? प्रोटीन यहाँ पे एक किस्म का एडहेरेंस देता है। एडहेरेंस आप समझो कि जैसे मेरे पास ये एक ईंटा है, ये दूसरी ईंटा है, बीच में मैंने सीमेंट डाल दिया ताकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए दो ईंटा के दरमियान,
समझ रहे हो आप। इसी तरह से दो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग में रहे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यू रहे, फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पे प्रोटीन डेवलपमेंट होती है। तो उस अब जो ये पूरा कम्प्लेक्स बनता है क्रोमोसोम प्रोटीन मिला के, उसी कम्प्लेक्स को हम यहाँ पे साइनाप्टोनिमल कम्प्लेक्स बोलते हैं। साइनाप्टोनिमल कम्प्लेक्स यही होता है। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स जो है अब आपस में करीब आ गए, दो क्रोमोसोम्स पास पास में आ गए, तो इस तरह से इस समय क्रोमोसोम अब बाइवेलेंट कहलाता है। बाइवेलेंट यानी बाई का मतलब टू। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम जो है आपको ये वाला ये जो डायग्राम है ये देख सकते हैं आप, ये एक क्रोमोसोम आ गया, ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया, ये मैटरनल है लेट इट बी, ये पैटर्नल है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया इन्हें पूरा, ठीक है, इसको हम कहेंगे बाइवेलेंट, इसको हम क्या बोलेंगे बाइवेलेंट। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स है, ठीक है, तो दो क्रोमोसोम्स में कितने क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, चार। तो यही वजह है कि हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम को टेट्राड भी बोलते हैं। हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, टेट्राड। बाइवेलेंट क्रोमोसोम इज ऑल्सो नोन एज टेट्राड। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब देखिए आप, अब हम आएंगे अगेन यहाँ पे पैकाइटिन पे। नो वी विल कम ऑन व्हाट, पैकाइटिन। पैकाइटिन के बारे में आपने क्या क्या चीज़ याद रखना है, पैकाइटिन में क्या क्या होता है। पैकाइटिन में याद रखिएगा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकाइटिन का मेन पॉइंट, ठीक है। कोई मतलब वो आपने जो है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट किया है ताकि आपको जो है एमसीक्यूज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, आपसे पूछा जा सकता है क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन, तो यू विल रिमेंबर, आप इसका आंसर देंगे पैकाइटिन, ठीक। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। दूसरी बात, क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जो है डीएनए सेगमेंट्स या क्रोमोजोमल सेगमेंट्स, उसका मतलब सपोज अगर ये एक क्रोमोजोम है लेट इट बी, अगर यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम आ गया, ये एक क्रोमोसोम है, और ये आ गया इसमें जो है ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम सेकेंड है, इसका कुछ पोर्शन जो है ये वाला क्रोमोसोम लेगा, ठीक है, ये क्रोमोसोम इसका कुछ पोर्शन लेगा, और उसके बाद जो है ये वाला क्रोमोसोम जो है इसका कुछ पोर्शन डेवलप करेगा। जैसे हमने यहाँ पे भी दिखा दिया है इस चीज़ को, तो क्रॉसिंग ओवर हमने यहाँ पे की है। सपोज ये रेड वाला क्रोमोसोम, अब रेड वाला क्रोमोसोम जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला पोर्शन डेवलप हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका ब्लैक वाला पोर्शन डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और जब ब्लैक वाले पोर्शन को हम सेपरेट करेंगे उसमें रेड वाला जो है रेड वाली कम्बिनेशन आ जाएगी, यानी इतना इसमें ब्लैक आ जाएगा, फिर ब्लैक वाले में क्या आ जाएगा, ब्लैक वाला जब सेपरेट हो जाएगा उसमें यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी। यानी इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ क्रॉसिंग ओवर जिसको हम बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर पे मैं एक अलग से एक वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आपने अभी इस वाले फेज़ में ये चीज़ याद रखना है क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है। अब क्रॉसिंग ओवर जिस जगह पे होता है उस जगह पे हम उस यानी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, यानी जिस साइट पे होती है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, रिकॉम्बिनेशन का ही मतलब हो गया क्रॉसिंग ओवर, वहाँ पे वो साइट्स पहले डेवलप होते हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट्स, जिस साइट पे क्रॉसिंग ओवर होना है, तो जिस एंजाइम की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है उसको हम रिकॉम्बिनेस बोलते हैं, दैट इंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस, याद रखो सभी पॉइंट्स को। और क्रॉसिंग ओवर का एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही आ गया, इसमें जो कम्बिनेशन है वो अब अलग से हो जाती है, यानी पहली वाली कम्बिनेशन जो थी अब उसका जो है कम्बिनेशन बदल जाता है। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूँ लाइक ये रेड क्रोमोजोम है, इसका कुछ पोर्शन ये ब्लैक लेगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक था तो कुछ पोर्शन ये रेडनेस को डेवलप करेगा, यानी एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स और क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होगा। तो ये था पैकाइटिन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, डायकाइनेसिस में क्या होता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो दे देते हैं।